क्या पृथ्वी अंदर से खोखली है? क्या चांद पर पृथ्वी की तरह भूकंप के झटके लगते हैं? दोस्तों, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। तो फिर देर किस बात की, लेट्स बिगिन। ये जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है। ये फोटो अंतरिक्ष में खींचा गया पहला फोटो है, या इसे फर्स्ट सेल्फी इन स्पेस भी कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में सोना कितना कठिन होता है? ग्रेविटी के स्पेस में ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को काली पट्टी आंखों पर बांधकर सोना होता है, और तो और अपने शरीर को भी बांधना होता है। शरीर को इसलिए बांधना होता है कि यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री यहाँ वहाँ भटकते ना रह जाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है 1962 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था। वो विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। दोस्तों, क्या चंद्रमा पर भी भूकंप के झटके आते हैं? सो फ्रेंड्स, आंसर इज यस। पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर भी भूकंप आते हैं, लेकिन इन्हें चंद्रकंप या मूनक्वेक कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर कुछ पल के लिए भूकंप का एहसास होता है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। चांद पर 1 से 1.5 घंटे तक कंपन होता रहता है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी थ्योरी भी है जो ये कहती है कि पृथ्वी अंदर से खोखली है? जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरी पर कुछ शोधकर्ता विश्वास करते हैं, और इस थ्योरी का नाम हॉलो अर्थ थ्योरी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार पृथ्वी के अंदर अलग अलग जीवों के होने की संभावनाएं हैं। सबसे पहले 17th सेंचुरी में एडमंड हैली नाम के वैज्ञानिक द्वारा इस थ्योरी का सुझाव दिया गया। एंशियंट टाइम्स में अर्थ के अंदर एक भूमिगत भूमि की अवधारणाएं पौराणिक कथाओं में दिखाई देती थी। क्या सचमुच पृथ्वी के अंदर एक अलग ही दुनिया है, या ये सिर्फ एक तर्क वाली बात है? वैसे साइंस जब पूरी तरह से किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब वहां जन्म होता है थ्योरी का। ऐसी ही एक थ्योरी हॉलो अर्थ थ्योरी भी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।